सो स्वागत है दोस्तों आपका दूसरे दिन में। आज भी तुम्हें अपने साथ घुमाएंगे और अभी आंखें ऐसे मोटी मोटी हो रही थी क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही थी। फिर मैंने कॉफी वॉफी पी, फ्रेश अभी नहीं हुआ, फ्रेश होऊंगा अभी, अभी हगना बाकी है। जैसे वो मेरी जिंदगी में हक्के गई है, मैं रूम में जाके हगूंगा तो उसके बाद फिर तुमसे मिलूंगा। और अभी वीडियो भी हल्की सी एडिट करनी है पुरानी वाली, काम काज बहुत है। और अभी 3 बजे एक डेट पे भी जाना है, वो भी है, और उसके बाद रात को नाइट आउट भी मारना है। वेरी बिजी लाइफ, तो तुम्हें अपनी बिजी लाइफ जीते जीते इंजॉय दिलाएंगे। बाकी भाई के बाल उठ रहे हैं, ऐसे बाल उठ जाएंगे अगर तुम वो लगाते रहोगे वैक्स वगैरह, तो वो मत लगाया करो, नेचुरल हेयर रखा करो, थोड़ी बहुत धूप खाया करो। बंदे पूछते हैं क्लियर स्किन का राज, तो वो जब कोई कंपनी पैसे देती है तब उस कंपनी का नाम है, और जब कोई कंपनी पैसे नहीं देती तो यही है, पानी वानी पियो, क्लियर रहो। क्यों भाई, धूप वूप फेंको थोड़ी। बाकी भाई आज मैंने बिल्कुल बढ़िया ब्रेकफास्ट करा है, एग वाइट्स और ब्राउन ब्रेड फ्रूट्स। तो अब थोड़ा सा रेस्ट लेके जिम को होटल में अपनी वीडियो एडिट करता हूँ, उसके बाद जाएंगे जिम। आज जिम भी होके आएंगे। BAWA, क्या नाम है इस होटल का? बाबा तो भाई अब टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और हम सो गए थे, बट अब ये कह रहा है, क्या कहते हैं वैभव, क्यों नहीं है बहन का लड़का लैला की, हाँ नहीं तू लैला, लैला कह रहा है कि भाई अब बांद्रा वगैरह में वहाँ पे कहीं पे रूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है। वहाँ पे ऐसे लेते हैं जैसे रात को रूम में आए फिर निकले फिर मार्केट हो, तो ऐसी जगह अब हम रूम देख रहे हैं, यहाँ से चेकआउट करते हैं। वैसे तो 12 बजे चेकआउट होता है, बट अपना ही होटल है ये, 2-3 बजे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ जाके फिर वहाँ पे रूम लेना है, उसके बाद डोलना फिरना है, एक टास्क बढ़ गया ज़िंदगी में। उठ जा मैगी भाई, ओ मैगी उठ जा भाई, बहन का लड़ इतना सोता भाई, उठ जा यार, पानी दियो। बाकी भाई पिछले कुछ टाइम से ना वर्कआउट अच्छे से हो रहा है, डाइट की तो ऐसी तैसी लगी हुई है। ऐसी फिजिक दिख रही है, अगर यही मैंने ढंग से वर्कआउट वगैरह कर लिया होता और अच्छी डाइट चल रही होती तो सोचो कितनी और अच्छी फिजिक लग रही होती। अभी बैड नहीं है बट एवरेज है, बिल्कुल एवरेज, मतलब जो 1-1.5-2 साल जिम गए होते हैं वो भी ऐसी बना लेते हैं। बुरी लग रही है यार। अब बॉडी बनानी है बहन की चूत। भाई मेरा फिजिक अपडेट देख लिया ना तुमने, एक और देता हूँ तुम्हें, रुको। पेट छोड़ साइड हो, ये देखो साला कितने किलो का है तू, 54। और इसकी तोन देखो, उधर हो यार, नॉर्मल खड़ा हो पीछे मुकर के, साइड भी आ रही है तेरी बैड की, लैला लैला लाला बन गया बैड की टांग। क्या कह रहा है ये, गाइस मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आज लास्ट डे एक्सपो को, वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कल तो मज़ा नहीं आया था बिल्कुल, तुम्हें पता ही है, बट मैं सोच रहा हूँ क्या पता आज बढ़िया हो। और क्या करें लैला, जाए ना जाए, देखते हैं पहले रूम मिल गए। चलो भाई, सो गाइस दोबारा से निकल चुके अपने बैग वैग लेके दादर की तरफ, क्योंकि मैंने वो गाना सुना था रजौरी से दादर है, तो मैंने कहा दादर चलेंगे। और सिद्धांत जायसवाल को प्रो कार्ड मिल गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू वॉच माई ब्लॉग्स, स्टे हैप्पी। और दूसरी बात, अपना अब शो पे भी जाने का सोच रहे थे हम, बट प्रो कार्ड मिल ही गया, अब क्या करेंगे जाने, तो चलो। बाकी मेरे पे 3 पास पड़े हैं, किसी को चाहिए तो बताओ आज के। तो भाई जैसे हमने पिछले ब्लॉग में पहले बस में आए फिर एरोप्लेन में गए थे ना, अब हमें भैया ने छोड़ा है, अब हम जाएंगे भैया के साथ। चलो तो भाई हमने ना एक सोसाइटी देखी थी, सोसाइटी में रूम देखा था, और रूम वाला बैंड जो इतना मेरा बाप मेरे पे वो नहीं लगाता, क्या कहते हैं उसको, रिस्ट्रिक्शन जितनी वो लगा रहा, भैया स्मोकिंग, कोई वो विजिटर नहीं आएगा, ये नहीं होगा, आपको क्या कहते इसकी बहन, आपको 12 बजे घर आना है। मैंने कहा चल ठीक है आ रहे अभी, और प्राइस 6,000 रुपये ये पीछे, वो तो यहाँ पे लड़की था, वो हमें लगा पूरा अपार्टमेंट होगा, और वो भी एक कमरा दे रहा है बैंड चोर, एक रूम में ही, चल मोटे वो सड़ी के लेना भाई एक चीज, और वो कह रहा था होटल वाला, कह रहा अब्यूसिव लैंग्वेज अलाउड नहीं है, उसकी बहन का बोल रहा था। ये देखो मुंबई का रॉक गार्डन, अबे चक्का मार, आउट हो गया, फोन आगे करने
सो गाइस अब हमें फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, भैया को भूख लग रही है, भैया कह रहे तू ऐसे ही टोल आई जा रहे हो मेरे को। भैया स्माइल तो कर दो इधर देख के एक बार, भैया 2.5 लाख बंदा देख रहा है यार, एक बार देख तो लो। भैया ने तो आस लगा दी होटल ही बुक हो पाएगा, अभी करते होटल बुक। सो गाइस हमें टैक्सी वाला तो छोड़ गया, उसके बाद यहाँ पे एक शर्मा जी का ये शोरमा जी है, तो यहाँ से हम शोरमा खा रहे हैं, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है। अगर इसका टेस्ट कल जैसा हुआ तो आज मैं भूख हड़ताल करूंगा मरीन ड्राइव पे, ना होटल लेंगे ना कुछ, वहीं पे बैठे रहेंगे। बढ़िया करवा दे, मैं भी करवा देता हूं। गुड भाई, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, एक तो रूम नहीं मिल रहा, दूसरी मेरी यूट्यूब की वीडियो नहीं अपलोड हो रही, मैंने नींद में भरी नींद में वो करी थी एडिट की, तुम अगले दिन ही देख लो, और मेरी आंखें इतनी भर गई थी फिर भी एडिट कर रहा था, और अब अपलोड नहीं हो रही, नेट नहीं मिल रहा कहीं। बाकी अभी कॉफ़ी पीने आए हैं, ये कॉफ़ी शॉप का क्या नाम था, ड्रॉप टू कप नहीं है तो ऐसे ही लिखा हुआ, पता नहीं क्या नाम है, तो यहाँ पर कॉफ़ी पी के, और अब हम होटल वहीं ले रहे हैं जहाँ पर हमारा पहले IBI होटल था, उसके बिल्कुल साइड वाला। IBI सोल्ड आउट हो गया, अभी उधर फ़ोन किया वगैरह, अब तो सोल्ड आउट है, तो उसके साथ वाला ले रहे हैं। तो हम इतना घूमे, इतना ट्रैवलिंग करी, दोबारा वहीं जा रहे हैं। तो भाई कॉफ़ी ले लिया, और वो तुमने शायरी सुनी हुई कि सियाणी मक्खी हमेशा घूमे गिरती है, इसने बिल्कुल अलग हटके हटके कॉफ़ी ऑर्डर करी, इसने सियाणी मक्खी घूमे गिरती है, इसने बिल्कुल हटके ऑर्डर करी, पता नहीं वाइट वाइट सी आ गई है कुछ, फ्रेंच वनीला बोली थी, टेस्टी हो गई है, टेस्टी है ठीक है, पता कैसी बहुत मीठी है, बहुत ज़्यादा मीठी कॉफ़ी का टेस्ट है। मैं अपनी पी के बताता हूँ गाइस, ओके। सो गाइस मोस्ट चूतिया ऑफ द ईयर का अवार्ड दो हम तीनों को, और अपना होटल और इतना घूम डाम के दोबारा, क्यों डेली चल रहे हैं होटल लेने। तो गाइस वो भी अपना होटल था, यहाँ पे आए हम 4 घंटे घूम फिरने के बाद। हाँ भाई आए कितने रहन दे यार, कितने घटा है भाइयों, रेडी बेड है या भाई मैं दूसरा किसी को दूं। हां खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, सॉरी सर, सॉरी साले यहां से भी चले गए ना, फिर तो दिल्ली जाना पड़ जाएगा, चुप हो जा। सो गाइस अब राजा बेटा जा रहे हैं जुहू बीच, जुहू बीच भी तो देखे कैसा है, वहां चलते हैं, वहां का एंजॉय मार के आते हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया, पूरी रात अपनी है पैर दिल न। गाइस जुहू बीच आना वाज नॉट अ गुड आइडिया, बाकी देखो आज ही है यहाँ पे, आता तो नहीं है पक्का गए। सो गाइस अब हम आए हैं काटल रोड, यहाँ की फेमस रोड, जैसे अपने उधर जेल रोड है, बट ये थोड़ी हाईफाई लग रही है। चलो भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बर्गर बढ़िया होगा। तो पहले ये डाल लेते सब में, और डालियो तेरा भाई डालेगा सब में, तुम ऐसे ही रह जाओगे, तेरा भाई डालेगा। हमारे काम का नहीं है ब्रदर, यार कितने जल्दी कर ले यार, मुझे खाना है आज, नखरे आ गए तेरे को। तो भाई पिज्जा उठाने का एक तरीका होता है, सबसे पहले देखा करो सबसे बड़ा पीस कौन सा है। अब जैसे सबसे बड़ा इसमें है ये वाला, तो ये वाला उठा लो, शर्माओ मत कि वो उसकी साइड है इसकी साइड है। टिपिकल कैफे वाला पिज्जा जो कैफे में होता है ना, बस इसका बेस काफी सॉफ्ट है, ये सत्य नहीं कहते ना दिल्ली का। यस इवन टुडे आई ट्राई टू बीइंग, आई ट्राई टू बी हैप्पी, आई ट्राई टू फेक स्माइल, बट इनसाइड माय हार्ट आई स्टिल हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। शी डिड वेरी डर्टी टू मी, शी यूज्ड टू से आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माय लव, यू आर नॉट अ लेसन, बट her actions speak something else, so that's why I told all my brothers to stay single,
because staying single, so being in a relationship is a nice thing, but the side effect of being in a relationship, once you get attached, then you get hurt, then the phase you face is worse. Yeah, आज आप कितनी एनर्जी कहाँ से निकल गई सर? शफा है शफा. Oh my God, after two packs. Dude, the girls, these bitches ain't loyal. Seriously, bro. I never loved anyone after her, but she used to post snap stories after every week with new guy. My friends used to show me. I was still in love with her. Even I am in love with her now, but I am in love with myself more. That's the difference. That's why I am staying separate. Even today, I can't eat properly. I feel hungry, but I can't eat because of depression. But still, eat because I have built muscle. So that's the reason. I am single. These people keep asking me why you are single. Why you are single? I am staying here without any bitch. In Mumbai, I can get 10 bitches now with one message and some rupees. I saw. Stay single, brother. यही टिप है आज की. But even today, भाई यार बस कर जा भाई, थम जा यार, थम जा भाई. Brother, I am giving you life. ठीक है भाई, मैं उठ के चला जाऊंगा यार. Life lessons. मेरा हो गया भाई तुम्हारा. पर मैं भी तेरे को दे रहा हूँ बहन, तेरे से वैसे ही कोई नहीं पटेगी. Can you repeat again? I am giving relationship lessons to the wrong person because I am very, very, very sure you can't get any bitch. गोलगप्पे खाने देख ले. But even today. Hey, हट गया यार. भाई 15 मिनट से देख रहा हूँ, एक इंच भी नहीं हिला. और जब से वो मुझे छोड़ के गई है, मैं भी उसकी तरह ही हूँ, एक इंच भी. तेरी ध्यान की तरीकी ध्यान. अंदर अंदर से टूटा. मुझे ऐसा लगता है मैं इस जगह पहले आया. वो शायद तू करण तो नहीं, शायद तू गांडू तो नहीं. अरे भाई मेरा दूसरा जन्म हुआ है. ये बंधन तो प्यार का. भाई हमारे साथ मैंने फील कर रहा है. वो डिप्रेशन में ले गई, तुम गलत रास्ते ले जाओ. अबे राइट था भाड़े. तो भाई फाइनली आज भी क्लबिंग करने जा रहे हैं, बट आज कैमरे के पीछे दूसरी लैला है. रुको, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा. हेलो बोल दो. हाय गाइस. और भाई कोई कैचिंग नहीं लिखेगा नीचे. क्या कह रही है? ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. तो भाई विनोद जी का एक बचपन का दोस्त है यहाँ पे, तो ये उनकी बेटी है. तो ये मेरी स्टेप सिस्टर है. और ये मेरा स्टेप ब्रदर. ओके, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. कौन से क्लब गए थे हम? ड्रैगन फ्लाई. तो भाई ड्रैगन फ्लाई गए थे, बढ़िया क्राउड था वहाँ पे, बट थोड़ा कम था क्योंकि संडे को यहाँ पे पार्टी कम होती है. अब हम जा रहे हैं होटल, उसमें नीचे बुलाएंगे लैला और उसको. वो सो रहे थे तो मेरे को मेरी फ्रेंड मिल गई थी, हम अपना पार्टी करने चले गए थे. अब हम बोला हाँ, मतलब वो भी फ्रेंड ही है यार, सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का होता है. ठीक है, तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम दिल्ली कह रहा हूँ, जो दिल्ली मुंबई घूमेंगे, दिल्ली भी घूमेंगे बड़ी जल्दी. हाँ, मैं दिल्ली आऊंगी. ओके, देखो दिल्ली भी आऊंगा क्या है इसकी. डन, अभी मैंने छुट्टी है मुंबई को. हाँ, मुंबई घुमाया, अभी हम दिल्ली घूमेंगे. अभी हम लोग
बोला था किससे बात कर रही है। अब हम जा रहे हैं मेरीन ड्राइव और गाइस वहाँ पे तुम्हें मिलते हैं वो दोनों दो भाई कुत्ते बेच के सो रहे हैं। मैं उठा उठा के थक गया, तुम ये मत समझना कि लड़की मिल गई तो भाई बदल गया, बट माँ कसम बहुत उठाने की कोशिश करी। लैला को तो खड़ा भी कर दिया तो वो फिर भी नहीं आ रहा, बट हंस कर ये यार। तो अब जाते हैं मेरीन ड्राइव, फिर तुम्हें वहाँ पे मिलते हैं भाई। कल देखो तुमने, ओ कल तुम्हें दिखाया था कितनी भीड़ है, आज देखो। अब हम बनवाए किससे वीडियो अपनी? अगर मैं देखो फेंक दूं तो यहाँ पे फेंक दे भाई। अच्छा कल मैंने व्लॉग में देखा था कि आरुष तुम्हें ऐसा बीटी हो रही थी अकेले होटल में रुकने के लिए। अब देख देखो भाई, गाइस दिन बदलते हुए टाइम नहीं लगता, बस मेहनत करते रहो। मैं इसीलिए आ रही हूँ, पता कंपनी देने के लिए तुम्हें। थैंक यू, वेरी स्वीट स्टेप सिस्टर। सो गाइज फुल नाइट पार्टी के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। जो हमारा होटल है वो बहुत ही बकवास था, तो हम आए हैं कहीं दूसरे 7-star होटल में ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे 7-star मुंबई में नहीं है, नहीं है, है तो वो सहारा कौन सा है? एक ही है सहारा, है तो हम सहारा में नहीं है, ये कहते झूठ बोलता है ये मैनिफेस्ट। सो गाइज पता नहीं कौन सा होटल है, नाम नहीं पता, बट यहाँ का स्टाफ अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैंने कहा यहाँ से खा लूँ क्योंकि मैं इंसान देख के। सो गाइज मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी को पाद आ गया तो उसमें क्या गलत हो गया? इतना ऑफेंड होने की क्या जरूरत है भाई, पाद ही तो है। I'm not offended, but तू यार सबके मेरे सामने इतना फ्री नहीं हो सकता। अब फ्री की क्या बात है इसमें, भाई साहब पाद आ गया पाद दिया, अब इसमें मैंने कुछ गलत करा है किसी का, किसी को मारा तो मैं तेरे बाजू में बैठी थी और इतना तो, ज्यादा लाउड था। अबे तो क्या हो गया, लाउड तो सबको आता है भाई, आधा रेस्टोरेंट सुन रहा था। अबे तो आता तो सबको ही है भाई, क्या हो गया कर दिया तो। अभी देखो लाइव दिखाऊं तुम्हें, अबे नहीं कर रहा यार, क्यों टेंशन ले रही है, अबे नहीं कर रहा। आई डोंट फकिंग ट्रस्ट यू ऑन दिस। अभी ना बैठने में भी डर, बैठने में भी डर लग रहा है। गाइस क्या कहते हो, पादू ना पादू? ठीक है, बहुत गंदा है, जल्दी कमेंट करके बताओ पादना है तो। गाइस नहीं, तेज क्या आ रहा है, थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन।